दो चीजें इस डिपार्टमेंट में बड़ी त्रस्त करती है, एक है डीपीआर बनाने वाले। अब क्या शब्द उपयोग करूं, इतनी घटिया क्वालिटी के काम करने वाले मैंने जिंदगी में कोई लोग नहीं देखे। मेरी बात और शब्द वैसे के वैसे उनके पास पहुंचा देना। हर जगह पर कोई घर में बैठ के गूगल पे देख के डीपीआर बनाए, तो समझता हूं कि जैसे यज्ञ में बलि देते समय वो ऐसी प्राणी को देखते जो बेचारा कुछ नहीं बोलता, वैसे ही कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो ड्राइवर की गलती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं माइनूट से देखता हूँ, बिल्कुल माइनूटली मैंने देखा है। ये जितने रिपोर्ट आपने तैयार किए, दुनिया बदल रही है, आप इंजीनियर हो, आप क्यों नहीं बदल रहे हो? जो एक दिन पहले काम करेगा एस्टिमेटेड टाइम पीरियड में उसको 1,00,000 रुपये अवार्ड होगा, और जो एक दिन लेट करेगा उसको 1,50,000 रुपये फाइन होगा। जो काम मैं कर रहा हूँ मैं ऐसा करूँगा, इतना अच्छा करूँगा कि लोग उसको याद रखेंगे। 6 घंटे रोज अध्ययन करते हो, तुम फेल कैसे हुए, तुम क्या करते हो घर पर? तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मैं स्कूल में जब रहता हूँ तो मैं रफ में लिखता हूँ और घर में जाके फेयर करने का काम करता हूँ। ये रफ टू फेयर करने वाले लोग बहुत होते हैं, ऐसा काम सरकार में मत करिए। शादी होने के पहले ही कौन सा बच्चा होने वाला है, लड़का या लड़की, उसकी कुंडली पहले ही बन जाती है। दीवार भी मैंने 4 बार देखा, क्योंकि फाइटिंग के पिक्चर मुझे बड़े पसंद होते थे। तो अमिताभ बच्चन जी ने मुझे कहा कि देखो नितिन जी, तब हिंदुस्तान के जितनी मशहूर कंपनियां थी जो रोड कंस्ट्रक्शन में जिनका नाम था, उसमें से 90% कंपनियों को हमने पूरा डुबाने का यशस्वी कार्य उस समय कर दिया था। दो चीजें इस डिपार्टमेंट में बड़ी त्रस्त करती है, एक है डीपीआर बनाने वाले। अब क्या शब्द उपयोग करूं, इतनी घटिया क्वालिटी के काम करने वाले मैंने जिंदगी में कोई लोग नहीं देखे। मेरी बात और शब्द वैसे के वैसे उनके पास पहुंचा देना। हर जगह पर कोई घर में बैठ के गूगल पे देख के डीपीआर बनाते हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और उसमें एक्सीडेंट होने के कारण बहुत से जगह पर फ्लावर की जरूरत है वो नहीं करते। तो परफेक्शन इन डीपीआर ये बहुत आवश्यक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिजाइंस में और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए 101% परफेक्ट डीपीआर बने। देखिए ये अच्छा है क्या कि देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है, देश का 3% GDP का नुकसान होता है, 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। और मुझे, मैं तो समझता हूँ कि जैसे यज्ञ में बलि देते समय वो ऐसी प्राणी को देखते जो बेचारा कुछ नहीं बोलता, वैसे ही कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो ड्राइवर की गलती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं माइनूट से देखता हूँ, बिल्कुल माइनूटली मैंने देखा है। बहुत बार गलती जो है वो रोड इंजीनियरिंग की है। आप जो रोड बना रहे हैं उसमें, जो रोड इंजीनियरिंग में आप रोड बनाते समय एक्सीडेंट नहीं हो इसकी चिंता करिए। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, 4 जगह पैर टूटा था, कितने लोग मर रहे हैं। 18 से 34 वयोगट में करीब 60% लोग मर रहे हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, क्या देश के लिए अच्छा है? क्या हम लोग ये ब्लैक स्पॉट्स के बारे में, ये हो नहीं हो इसके लिए एज ए इंजीनियर सुमोटो आप कुछ काम कर सकते हैं? मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि रोड इंजीनियरिंग के कारण एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, इस बात को आप जरूर देखिए। और निश्चित रूप से अगर आपने ये किया तो अनेक लोगों की जान बचेगी और उसका दुआ आपको मिलेगा। हमारे देश में पैसों की कोई कमी नहीं, हमारे डिपार्टमेंट नहीं है, पर मैं आपको एक बताता हूँ कि जो ग्रोथ रेट है वो अगर मल्टीप्लाई करना है तो सरकार के पैसे से तो काम करेंगे ही, पर पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। हम गोवा में एक ब्रिज बना रहे हैं और वो केबल स्टेट ब्रिज है जुआरी नदी पर, बहुत सुंदर ब्रिज बना है। तो मैंने उनको कहा इसके ऊपर हम लोग एक व्यूअर गैलरी बनाएंगे और 500 रुपये का टिकट निकालेंगे। अब 500 रुपये का टिकट देंगे तो रोज गोवा में 2 लाख टूरिस्ट आते हैं, तो कम से कम 1.5 लाख लोग आएंगे, क्योंकि ऊपर से पूरा गोवा और समुंदर दिखता है। मैं हमारे डिपार्टमेंट में बहुत कहता रहा, पर एक बात है कि सरकार में तुमने पैसे बचाए तो कोई सर्टिफिकेट देता ना कोई धन्यवाद देता। तो मैंने बहुत बार कहा और कन्विंस करते करते तंग होकर मैंने कहा तुम छोड़ दो, मैंने गोवा सरकार को दे दिया।
और गोवा सरकार वो प्रोजेक्ट कर रही है और गोवा सरकार उसमें से बहुत पैसा कमाएंगी। अब वो टेंडर निकाला उन्होंने, तो रोड का काम करते करते समय इनोवेटिव मॉडल से अगर पैसा मिल सकता है तो उसको मिलाना चाहिए और आए हुए पैसे का उपयोग फिर करना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी ने विवाद से विश्वास ये स्पेशल पॉलिसी बना के दी है, पर हमारे यहाँ क्या होता है मिनिस्ट्री में, व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन टू पर्संस, वन पर्सन कैन नॉट बी अ जज। पर सरकार में आदत यह होती है कि विवाद हमारे साथ है, जज भी हम ही रहेंगे, तो जो विवाद में पार्टी है वो जज कैसे बन सकता है। पर सरकार में सभी लोग बराबर है, परफेक्ट ही है। राजा को तो कहना ही पड़ता है यस सर, जो राजा बोलेगा वो बोला, हमारे मराठी में राजा बोलेगा दाढ़ी हिलेगा। अब काफी बड़े प्रमाण में फॉर्मूला भी तय हुआ है, तो ये जो विवाद है ये कितनी सुप्रीम कोर्ट में केसेज जा रही है, हाई कोर्ट में केसेज जाती है, कितना पैसा सरकार का जाता है। मैं वकील हूँ, लॉ ग्रेजुएट हूँ, और मैं वकीलों के बारे में जानता हूँ। कोई वकील नहीं बताता कि ये केस तुम इसमें लॉ पॉइंट नहीं है, है नहीं, अपील करेंगे हम जीतेंगे। और जो वकील अपॉइंट होते हैं मुझे मालूम है, हमारे सिग्नेचर से होते हैं, जिनकी प्रैक्टिस नहीं चलती वही हमारे पास आते हैं और उनको हम सरकारी वकील बनाते हैं, यानी कुछ अच्छे भी होंगे और हम उसको अपॉइंटमेंट करते हैं, क्योंकि जो अच्छी प्रैक्टिस चलता वो काय के लिए आता हमारे पास सिफारिश मांगने के लिए। और फिर वो लड़ते रहता है, पता नहीं कितना पैसा खर्चा होता है। और इसलिए कभी कभी मुझे लगता है कि मराठी में कहावत है कि मूर्ख लोग घर बांधतात आणि हुशार लोग किराया नहीं राहतात, यानी मूर्ख लोग जो होते हैं वो घर बांधते हैं और हुशार लोग किराए से रहते हैं, तो वैसे ही ये होता है। तो ऐसा है कि इसमें से विवाद जो कहे उसको टाल कर कोर्ट केसेस को टालिए, कितनी केसेस हैं। और मैं अभी एक वकील को मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जितने जजमेंट हमारे खिलाफ गए 10 साल में उसके मुझे समरी तैयार करके दो, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। अगर इसका सही रिपोर्ट अगर प्रकाशित हो जाएगा तो जिन्होंने सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया उनके गलत निर्णयों के कारण वो लोग आज भी सर्विस में है और फिर से वही वही गलती आगे दोहरा भी रहे हैं, ऐसा क्यों करते हो। ये जितने रिपोर्ट आपने तैयार किए, दुनिया बदल रही है, आप इंजीनियर हो आप क्यों नहीं बदलते हो, वेबसाइट करिए, एक अच्छा मैगजीन निकालिए, अच्छे काम करने वाले लोगों के जो एक्सपेरिमेंट्स है उसको छापिए। वर्ल्ड में जितनी सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है, केवल देश में नहीं, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमको वर्ल्ड की नंबर एक की इकोनॉमी बनना है, हमारे में क्षमता है, और ये अगर बनना है तो वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है उसको भी एक्सेप्ट करना होगा और हमारी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को क्वालिटेटिव चेंज करना होगा। जो हमारा अच्छा है हम उसको स्वीकार करेंगे, जो हमारा आउटडेटेड है उसको छोड़ देंगे, और जो नई नई अच्छी बातें उसको स्वीकार करके इस क्षेत्र को क्वालिटेटिव अच्छा बनाएंगे। ये संकल्प आप सब लोगों ने किया तो हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का फील्ड पूरा बदल सकता है। ये IRC का इतना भव्य आयोजन हुआ, और देखो गुजरात से एक बात सीखो, मैंने उनको बोला इतने स्टॉल लाए हैं, अब मेरे को भी क्या मालूम, पर मुझे बराबर एक दृष्टि है, मैं समझ ही पाता हूँ। तो मैंने पूछा 10 से 12 करोड़ तुमने IRC करके शायद कमाए होंगे, उसने कहा सब 12 नहीं 10 करोड़ कमाए, ने तुम्हारा खाना खिलाया, रहने की व्यवस्था की, कार्यक्रम हुए, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास फोड़ा ठंडा, तो उल्टा IRC यहां ऑर्गेनाइज करके उनने 10 करोड़ का प्रॉफिट भी कमाया। कुछ बातें जरूर सीखिए, और ऐसा ही हर IRC में थोड़ा सा अप्रोच रखिए, ऐसा करते करके 200-400 करोड़ जमा हो जाएंगे। मुझे एक बार याद है कि अमिताभ बच्चन जी से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे रोड की, ब्रिजेस की काफ़ी बातें वो करने लगे, तो मैंने विषय चेंज करके कहा कि मैं तो फिल्म आपकी बहुत पसंद करता हूँ। जो आनंद सिनेमा था वो मैंने 7 बार देखा, दीवार भी मैंने 4 बार देखा, क्योंकि फाइटिंग के पिक्चर मुझे बड़े पसंद होते थे। तो अमिताभ बच्चन जी ने मुझे कहा कि देखो नितिन जी, आप कह रहे हो ये ठीक है कि अगर कोई फिल्म अच्छी होती है, संगीत अच्छा होता है, गाना अच्छा होता है, तो लोग कितना भी ज़्यादा से ज़्यादा उसको साल भर याद रखते हैं,
पर हम मुंबईकर आपको रोज याद रखते हैं, शायद आप भूल गए होंगे, क्योंकि हमारा समय रोज आपके कारण बचता है और हम आपको रोज याद करते हैं, क्योंकि ये अच्छे फ्लाईओवर्स, ये वर्ली बांद्रा, इसने हमारे जीवन को काफ़ी सुखमय किया। मैं तो मुंबई छोड़कर बहुत दिन हो गया, आजकल मुंबई में मेरा जाना भी नहीं होता, पर लोग मुझे मेरी याद करते हैं। और इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी अच्छा काम आपके हाथ से होगा, लोग निश्चित रूप से उसको याद करेंगे। जो काम मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसा करूँगा, इतना अच्छा करूँगा कि लोग उसको याद रखेंगे, और मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, ये अगर भाव होगा तो निश्चित रूप से और अच्छा काम हो सकता है। मैं जब स्कूल में था तो बहुत से बच्चे 5-5, 6-6 घंटे अध्ययन करते थे, तो एक बार एक लड़का फेल हो गया, तो जब फेल होने के बाद उसके माताजी और पिताजी जब आए कि ये तो 6-6 घंटे अध्ययन करता है, ये फेल कैसे हुआ, तो टीचर को भी प्रश्न पड़ा कि ये फेल क्यों हुआ है। तो जब उन्होंने लड़के को पूछा कि तुम इतना 6 घंटे रोज अध्ययन करते हो, तुम फेल कैसे हुए, तुम क्या करते हो घर पर, तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मैं स्कूल में जब रहता हूँ तो मैं रफ में लिखता हूँ और घर में जाके फेयर करने का काम करता हूँ। ये रफ टू फेयर करने वाले लोग बहुत होते हैं, ऐसा काम सरकार में मत करिए। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। द स्पिरिट बिहाइंड द विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आप विश्वकर्मा हैं और स्वाभाविक रूप से आपके हाथ से जो चीज बन रही है वो सालों साल देश याद रखने वाला है। मैं जब 2014 में मंत्री बना तो पूरे डिपार्टमेंट में 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के बंद पड़े थे। करीब 3,00,000 करोड़ एनपीए अकाउंट होने की स्थिति में लगभग थे, कुछ हो गए थे बैंकों में। और मैं रोज बैठता था कि अवार्ड किए गए प्रोजेक्ट पर लैंड एक्विजिशन नहीं हुई, फिर लैंड मिली तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिला, इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिला तो रेलवे का काम रुका है, रेलवे का काम रुका है तो कोर्ट ने स्टे दिया। हमारे देश में ऐसी मानसिकता है कि काम करो करके कोई चिट्ठी लिखता ही नहीं, काम बंद करो, काम रोको, काम को स्टे करो, और जिसके कारण फिर डिले होता है। तब हिंदुस्तान के जितनी मशहूर कंपनियां थी जो रोड कंस्ट्रक्शन में जिनका नाम था, उसमें से 90% कंपनियों को हमने पूरा डुबाने का यशस्वी कार्य उस समय कर दिया था। मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ, आप सीरियसली मत लो, जिनको महीने में सैलरी मिलती है उनको बैंक से कर्जा लेने के बाद कितना ब्याज भरना पड़ता है इसकी कभी कल्पना नहीं आती। मैंने एक अधिकारी को पूछा, आपको तो लाजवाब हो, बोले क्यों सर, मैंने बोला पत्नी से भी ज़्यादा फाइल पर प्रेम है आपका, 4-4 महीने दबा के बैठे हो। आप कौन सा निर्णय कर रहे हैं इससे कोई संबंध नहीं है, निर्णय करो। निर्णय नहीं करना, निर्णय टालना, निर्णय को डिले करना इज अ बिग प्रॉब्लम। अब ऐसा है कि कभी कभी ये बोलना उचित नहीं है, पर गलती हो सकती है, अगर गलती बोनाफाइड है तो उसको माफ करना चाहिए, मैं सरकार में अक्सर कहता हूं। इफ द मिस्टेक इज मालाफाइड तो फिर जरूर उसके ऊपर कार्रवाई करें, पर लकीर के फकीर होते हैं तो सिस्टम में थोड़ा कुछ हुआ कि लग इंक्वायरी लगा देते हैं, तो लोग डिमोरलाइज हुए हैं। अच्छे काम करने वालों को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। अब कुछ कुछ राज्यों में तो ऐसी स्थिति है, मैं नाम नहीं लूंगा, कि इतना ही लिखना बाकी था कि काला कोट पहना हुआ जो कॉन्ट्रैक्टर आएगा वो टेंडर दे सकता है, इतना ही लिखना बाकी था। यानी शादी होने के पहले ही कौन सा बच्चा होने वाला है, लड़का या लड़की, उसकी कुंडली पहले ही बन जाती है। और हमने पॉलिसी एक ही बनाई, और जब उसको 10% मशीनरी एडवांस दिया, मोबिलाइजेशन एडवांस दिया, तो आपको आश्चर्य होगा हमारे उड्डान पुल जो थे उसकी 1800 करोड़ कॉस्ट थी, एस्टिमेटेड कॉस्ट, हमने 900 करोड़ में बनाए, 50% पैसा बच गया। हमारा मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, उस समय धीरू भाई अंबानी थे,
वो मेरे ऊपर बहुत नाराज हुए थे, मैंने उनका टेंडर रिजेक्ट किया था, पर उनका मेरे ऊपर प्रेम भी था। और जब वो टेंडर रिजेक्ट किया था वो 3600 करोड़ का था, और जब लोएस्ट आए थे, 3 टेंडर आए थे उसमें वो लोएस्ट है। तो मैंने उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी को कहा कि ये 3600 करोड़ ज़्यादा कॉस्ट होती है, अगर 1800 करोड़ तक वो निगोशिएट करके करते तो देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए। मामला विवाद का बना, और जब मुझे बहुत आग्रह हुआ तो मैंने कहा एक काम करिए, मेरा डिपार्टमेंट बदल दीजिए और दे दीजिए कॉन्ट्रैक्ट। आखिर वो रिजेक्ट हो गया। तो मैं धीरू भाई को मिलने के लिए गया था उनकी नाराजगी दूर करने के लिए, पर बाद में ये रोड जो है ये 1600 करोड़ में बना, 18 यानी आज का 1600 करोड़ बच गए, यानी आज के कम से कम 20,000 करोड़ बचे, और रोड भी अच्छा बना। तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे लगता था कि कभी रोड नहीं बनेगा, पर रोड बना है। तो मेरी ऐसी बात हुई थी तो मैंने उनके साथ शर्त लगाई थी। तो बोले मैं हार गया तुम जीत गए। बोला नहीं नहीं धीरू भाई, आप मेरे पिता समान हैं, आप ऐसा मत कहिए। और बाद में वो बहुत खुश हुए, रोड बनने से उनको बड़ा अच्छा लगा। और दिल्ली में भी अभी पेरिफेरल रोड में भी किया, वो जो टिकड़ी थी दिल्ली की, मैं कभी कभी बोलता था ये पर्यटन स्थल है, दिल्ली में कचरे के 3 बड़े माउंटेन बने हैं, तो वो अब 12 से 14 मीटर डाउन हो गई, वो भी हमने यूज़ किया। तो इससे सेविंग भी होता है और समय पर काम होना चाहिए। समय पर काम न होने से सरकार में कितना कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है, कितने कॉन्ट्रैक्टर क्लेम्स डालते हैं, कितनी कोर्ट केसेस होती है। मुझे याद है बोंगिरवार जी और हम थे तो हमने मुंबई के 55 फ्लाईओवर के लिए एक छोटा सा नियम बनाया था कि जो एक दिन पहले काम करेगा एस्टिमेटेड टाइम पीरियड में उसको 1,00,000 रुपये अवार्ड होगा, और जो एक दिन लेट करेगा उसको 1,50,000 रुपये फाइन होगा। तो ये जो सांताक्रूज एयरपोर्ट पर ये बांद्रा से एक एलिवेटेड रोड बना है, इसका पीरियड था 4.5 साल, तो कॉन्ट्रैक्टर ने ये 16 या 17 महीने में पूरा कर दिया क्योंकि उसको बोनस मिला। मुझे लगता है कि टाइम ये सबसे बड़ा कैपिटल है। केवल इकोनॉमिक रिसोर्सेस ये कैपिटल नहीं है, टाइम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और टाइम के बारे में भी अगर हमने ये निर्णय किया तो हमारी कॉस्ट भी कम होगी, विवाद भी नहीं होंगे और इसमें फटाफट काम भी होंगे। मैं अनेक जगह पर गया था, बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आई, और इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आई कि मुझे लगता है कि इसका उपयोग करना चाहिए। अब जिन लोगों ने नए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया उनका सेविंग हुआ, तो हमने नोटिस निकाले उनके ऊपर कि तुम्हारा पैसा बचा हमको वापस करो। अगर ये किया तो कौन नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा? तो बोला मैंने कहा ऐसा क्यों किया तुमने? बोले ऑडिट को ऑब्जेक्शन आएगा। ये जो लकीर के फकीर है ऐसे लोग देश का बहुत ही नुकसान कर रहे हैं। एक्चुअली इट इज़ द टाइम फॉर द कंट्री दैट वी नीड टू इनकरेज द पीपल फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनिशिएटिव। हमको दुनिया के साथ जाना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, ये प्रधानमंत्री का सपना है, और उसके लिए हमको बदलना है। और अगर अच्छा बदल कर रहे हैं तो उसको हम ऐसा कहेंगे तो कैसे हो पाएगा? वी विल फाइंड आउट द वे आउट।